जैसे कि हम जानते हैं ये दिसंबर का महीना चल रहा है और इसमें एक दिन भी होता है जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं 25 दिसंबर द क्रिसमस डे, जो क्रिश्चियंस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो एज अ मुस्लिम कैन वी सेलिब्रेट दैट? देखिए, मुसलमान होने की हैसियत से क्या हम क्रिसमस 25 दिसंबर सेलिब्रेट कर सकते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिसमस है क्या। देखिए, ईसाइयों का ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं और उनकी पैदाइश को 25 दिसंबर वो सेलिब्रेट करते हैं, जबकि इस्लाम इसके बारे में बिल्कुल अलग बात बताता है। इस्लाम में इस्लाम मोनोथीज़म के बारे में बात करता है और अल्लाह ताला अकेला है, उसकी कोई औलाद नहीं है ना उसका कोई वालिद है। तो इस एतबार से ये कहना बहुत गलत है और इस्लाम में तो कहीं पर भी गुंजाइश ही नहीं है कि किसी गैर मुसलमान के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। तो बिल्कुल इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं। तो ये तो हम समझ गए कि इस्लाम इस चीज़ का परमिशन ही देता है कि हम उसे सेलिब्रेट करें या मनाएं। लेकिन एक आप जानते हैं कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, ऑफिस में लोग होते हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एक कम्युनिटी होती है, वो एक दूसरे को विश करती है आके, या क्रॉस कल्चर आप कह सकते हैं, वो एक दूसरे को आके विश करते हैं कि मेरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस। तो अगर एक बहुत अच्छा मोमेंट है वो इस चीज़ को अवॉइड करता है तो इसके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि लोग उस पर एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो या तुम हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इस सिनेरियो में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, मैरी क्रिसमस का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। मैरी क्रिसमस का मतलब है खुश होना इस बात के ऊपर कि गॉड ऑलमाइटी अल्लाह ताला ने इस दिन बेटे को पैदाइश करी या बेटा जना। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में क्या है? अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वकालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, वकालत नसारा मसीह इब्न अल्लाह, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम। अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह ताला के बेटे हैं, और जबकि नसारा ने ईसाइयों ने कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंहों की बातें हैं। एक जगह अल्लाह ताला ने ये फरमाया, बल्कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने इतनी सख्त बात बताई, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 88 से लेकर के 93 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वकालु तकजु रहमान वलदा लकद जीतु शैयन इदा तकादु السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان ضاء للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا। और उन्होंने कहा कि रहमान ने बेटा जना, ये इतनी बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकल रही है। अगर आसमान को ताकत दे दी जाए तो आसमान शक हो जाए, और जमीन को ताकत दे दी जाए तो जमीन फट पड़े, और ये पहाड़ ये रेजा रेजा हो जाए, चूर चूर हो जाए। क्यों? उन्होंने कहा कि रहमान ने बेटा जना, और रहमान की ये शायान शान ही नहीं कि वो बेटा जने। अब आप सोचिए कि जिसके बारे में इस्लामिक तालीम इतनी सख्त बात बताए, अल्लाह ताला इतना सख्त इरशाद फरमाए, उसके बारे में अगर हम ये बात अपने मुंह से कहते हैं तो ये इस्लाम से नावाकफियत नहीं होगी? ये तो सरासर बदअकली है और हमारी जहालत है। इस्लाम से बिल्कुल हमारी लाताल्लुक है कि हम जानते ही नहीं कि हम अपने मुंह से कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इस्लाम का व्यू ऑफ पॉइंट इतना सख्त और हम अपने मुंह से इतनी ऐसी बात निकाल दें, तो सरासर इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मैं इस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल एग्री करूंगा, लेकिन कुछ हमारे मुसलमान भाई और बहन ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ उनकी खुशी के लिए कह रहे हैं, अल्फाज देखिए आप, खुशी के लिए, हमारी कोई नियत नहीं है। मतलब नियत से मेरा मुराद ये है कि उनकी नियत ये नहीं है कि वो ये कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे या बिगॉटन सन थे, ऐसा कुछ उनकी नियत नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह फॉरगिव मी, लेकिन उनकी नियत ये नहीं है। और जैसे हम जानते हैं कि इन्ना मला मालूम नियत, हर चीज का सवाब नियत पे। तो फिर आप इस सिचुएशन में या इस्लाम इस सिचुएशन में क्या कहेगा?
देखिए ऐसी बात खास तौर के ऊपर वो लोग कहते हैं जो बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होते हैं या सेकुलरिज्म से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, ऐसी बात वो कहते हैं कि हमारे दिल में ही नहीं है ये बात, हम तो बस खाली फॉर द सेक ऑफ सेइंग हम कह रहे हैं, ठीक है नहीं, उनके उनको बुरा ना लगे इस ताल्लुक से। लेकिन आप सोचिए, कोई शख्स, मैं माजरत के साथ में कहूंगा, कोई शख्स आपके माँ बाप को गाली दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा होगा, गुस्सा होगा ना, जाहिर सी बात है कि। और कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत को गाली दे तो कितनी बड़ी बात है कि इंसान उसको बर्दाश्त कर ले, और गाली देने के बजाय हम उसे क्या कहने लगे, आपके वालदेन को अगर कोई गाली दे आप उसके परेट में क्या करें, हैप्पी अब्यूजिंग, बहुत अच्छी बात करी आपने मेरे वालदेन को गाली दी, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज भी नहीं करेंगे। यही मामला है कि जब लोग अल्लाह ताला को ऐसी बात कहते हैं तो ये अल्लाह ताला को गाली देना है कि उसने बेटा जना, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, सही बुखारी की हदीस है 4974 नंबर की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम मुझे गाली देता है, उसका गाली देना ये कि वो ये कहता है कि मैंने बेटा जना। आप सोचिए, आप ये मैं आपको हदीस का मफहूम बता रहा हूं कि अल्लाह ताला इतना सख्त रवैया, गाली के अल्फाज इस्तेमाल है, और फिर हम मुसलमान होने की हैसियत से क्या हम गाली दें? अल्लाह ताला को हमें ये जेब नहीं देता है, हमारे लिए बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें खैर उम्मत बना करके भेजा। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना है और बुराई से रोकना है। और आपको मालूम है कि सबसे बड़ी बुराई इस्लाम की नजर में क्या है? सबसे बड़ी इस्लाम की नजर में बुराई है शिर्क, शिर्क से बड़ी। और ये जो शिर्क है, अल्लाह की जात के अंदर शिर्क है, और इस्लाम की तालीम के हिसाब से ये सबसे घिनौना शिर्क है, इसकी कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। आप सोचिए, इस अगर बुराई से हम रोकने के बजाय खुद इसके अंदर मुलव्विज हो जाएं तो हमें हमारी समझदारी होगी? देखिए, एक तरफ आपको फैसला करना पड़ेगा, लोगों की बात है, लोगों को बुरा लग रहा है, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत है उसको बुरा लग रहा है, आपका फैसला आपको करना होगा कि किसकी बुराई आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लोगों की या अल्लाह रब्बुल इज्जत की। जैसे कि अभी तक हमने आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे उसके आपने जो जो आंसर दिए, तो उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ना तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ना विश कर सकते हैं, और उस पर अल्लाह ने बहुत सारे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं हमारे बेहतर के लिए ऑब्वियसली। लेकिन इस पर एक चौथा सवाल और आखिरी सवाल मेरे दिल में, और मेरे ख्याल से मेरी ऑडियंस के दिल में भी ये उठ रहा होगा कि इस पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, कि उनका वे ऑफ लाइफ क्या था, इन चीज़ों से उनका बिहेवियर क्या था, उनका रिएक्शन क्या था, तो इस पर भी आप थोड़ा बता दें। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, हदीस नंबर 3313, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और वो बताते हैं कि दौरे जिहालत में मैंने एक नजर मानी थी बवाना नाम की एक जगह के ऊपर, मैं कुर्बानी दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन उस पर क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा, पूछा ये बताओ कि उस जगह पर क्या कोई गैर इस्लामी फेस्टिवल तो सेलिब्रेट नहीं होता था? आप सोचिए, जिस नबी की तालीम ये हो कि इतनी प्रिकॉशन ली हो कि अगर गैर इस्लामी तरीके का कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हो रहा है वहां पर बार कुर्बानी जायज नहीं, आप अंदाजा लगाइए। न सिर्फ ये बल्कि जो यौम अशूरा का रोजा होता है, 10 मुहर्रम का रोजा जिसको हम मुसलमान जानते हैं, जब सहाबा इकराम को ये बात पता चली कि मूसा अलैहिस्सलाम के यानी यहूदी अहले किताब भी इस दिन का रोजा रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुश होना चाहिए था, मुबारकबाद कहना चाहिए थी सहाबा से कि आप जाके मुबारकबाद देकर के आइए। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मूसा अलैहिस्सलाम से, और मैं ज्यादा मुस्तहिक हूँ कि उनसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, तो आप अगली साल से अगर इंशाअल्लाह आया मौका तो मैं 2 रोजे रखूंगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें भी उनकी मुखालफत का हुक्म दिया, और ये इबादती अमल है, इबादती अमल में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मुखालफत का हुक्म दिया है। तो आप समझ लीजिए, सेलिब्रेट करना विश करना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत की तालीम दी है। जिस नबी जिस रसूल की तालीम ये हो उसके मानने वाले कहें कि हम उनको विश कर दें
तो मैं समझता हूँ ये सरासर जहालत है, सरासर नावाकफियत है इस्लाम से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और मेरे लिए सिर्फ नहीं भेजे गए थे, ये बात हम ध्यान में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे। उनकी तालीम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर मुसलमान और गैर मुसलमान के लिए उनकी तालीम है। और उनकी तालीम यही है कि हम बिल्कुल भी इस फेस्टिवल को न सिर्फ सेलिब्रेट कर सकते हैं बल्कि इसका विश भी नहीं कर सकते, इससे जितना अवॉइड किया जाए, जितना इसको अलग किया जाए अपने आप से, उतना ही हमारे लिए बेहतर है, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर ब्रदर मुजद्दद। तो जैसे कि आज के एपिसोड में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करा, क्रिसमस जब आने वाला है कुछ दिनों में, तो मैं अपने सारे ऑडियंस से और ब्रदर एंड सिस्टर से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट क्या, ये तो उनके लिए एक अमल होना चाहिए कि ना तो वो इसे सेलिब्रेट करें और ना इसमें किसी तरीके से शामिल हों, और जितना अवॉइड कर सकते हैं उसे अवॉइड करें। बेसिकली हम जानते हैं कि आजकल सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वो या तो अपने स्टेटस लगा देते हैं मेरी क्रिसमस या कुछ का, या फेसबुक पर स्टेटस पोस्ट कर देते हैं। तो मैं ये बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा सबसे कि वो इस चीज़ से बचें और ना तो खुद गुनाह की तरफ जाएं ना दूसरों को गुनाह की तरफ बुलाएं, और इस वीडियो को शेयर करें कि वो सही बात समझें और अमल करें। जज़ाकअल्लाह।